हाई गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल शाइस्ट्रेस ब्लॉग। तो आज से मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मायशा के ऊपर ब्लॉगिंग, बहुत सारी चीज़ें जो आपको हेल्प करेंगी। तो बीइंग अ मॉम इज़ अ वेरी स्पेशल फीलिंग। मैं हमेशा आपके साथ ब्लॉग्स पे मायशा के पैदा होने से लेके अभी तक बहुत सारी चीज़ें शेयर करती आई हूँ। अब वो क्रॉल करने लग गई थी, उसके बाद अभी वो चलने भी काफ़ी हद तक लग गई है। स्पेशली जब वो वॉकर में होती है तो बहुत अच्छे से चलती है, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो मैंने सोचा कि मैं सारी चीज़ें अपने व्लॉग्स में जब धीरे धीरे शेयर ही करती हूँ तो क्यों ना मैं प्रॉपर आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आप मेरी तरह मॉमी बने हो या मेरी वाली स्टेज पर हो तो आपके लिए वीडियोज़ हेल्प करें कि मैं कैसे मायशा को उसकी टेक केयर करते हैं, हम उसे क्या खिलाते हैं, उसकी ग्रोथ क्या है, उसके माइलस्टोन्स ठीक चल रहे हैं या नहीं, हम उसके लिए कैसे कैसे चीज़ें करते हैं, सारी जर्नी मैं व्लॉग्स के थ्रू आपके साथ शेयर करूँ। बट डोंट वरी, मेरे व्लॉग्स भी चलते रहेंगे साथ ही साथ, क्योंकि हम लोग फैमिली व्लॉग्स बनाते हैं एकदम, आपके साथ हर चीज़ रिलेट करते हैं, आप रिलेट करते हो हर चीज़। तो मैं आज से करने वाली हूँ, ये फर्स्ट व्लॉग होने वाला है जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम मायशा को नहलाते कैसे हैं। और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको सब कुछ पता होगा मेरी लाइफ से लेके, आप मेरा बर्थ व्लॉग मायशा का बर्थ व्लॉग देख सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो हाय गाइस, मेरा नाम सायमा है, मेरी बहुत ही प्यारी 9 महीने की बेटी है और मैं उसके ऊपर आज से व्लॉग करूंगी। इसके अलावा मैं अपने फैमिली व्लॉग्स, लाइफस्टाइल व्लॉग्स करती रहती हूँ। इसके अलावा मैंने सोचा है कि मैं आपके साथ एक डाइट व्लॉग भी शेयर करूँ। डाइट व्लॉग कि मैंने डाइट से वेट लॉस किया है। प्रेगनेंसी के बाद बहुत मैं मोटी हो गई थी, बहुत ज़्यादा मैं मोटी हो गई थी, बहुत डिप्रेशन में भी चली गई थी। तो मैं धीरे धीरे कैसे अपने वेट को मैंने मेंटेन किया, लॉस किया एक हेल्दी मैनर में, और अभी भी मैं वेट लॉस की जर्नी पर हूँ। कभी कभी चीटिंग हो जाता है, चल जाता है, ठीक है। तो कैसे मैं करती हूँ तो मैं इसके ऊपर प्रॉपर डाइट प्लान आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या फॉलो कर रही हूँ, आप कैसे कैसे फॉलो कर सकते हो। ऑब्वियसली आई एम नॉट अ डाइटिशियन, बट कुछ जो चीज़ें मैंने फॉलो की मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो उसके लिए मैं सेपरेट ब्लॉग्स बनाऊंगी, ट्राई करूँगी वीक में 3 ब्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँ। तो या प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। चलिए आप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं बनाऊँगी सब्जी, क्योंकि निधि आने वाली है, उसके लिए बनाने वाली हूँ पनीर की एंड शिमला मिर्च की सब्जी जो मेरे डाइट में है, और मैं उसको एक रोटी के साथ आज खाने वाली हूँ। तो अभी पहले हम सब्जी बनाएंगे, उसके बाद हम मायशा की मालिश करके उसको नहलाएंगे। गाइज, नहलाने से पहले हम मायशा को मालिश करते हैं, और मालिश के लिए मैं उसके लिए जो यूज़ करती हूँ तेल, वो है ये कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल। आप कोई भी कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो, कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा होता है बच्ची की मालिश के लिए। इसके साथ आप आलमंड भी ले सकते हो, बट अभी काफ़ी गर्मी है तो इसलिए हम कोकोनट यूज़ करें। अगर ठंड है तो आप बादाम का तेल यूज़ कर सकते हो या सेसमे सीड। तो मैं यहाँ पे एक अच्छे अमाउंट लूँगी। तो मालिश करने के लिए सबसे अच्छा होता है इस तरीके की शीट रख लो जिससे कि कोई भी स्टेन नहीं लगेगा, और बच्चे को ऐसे पैर के बीच में रखने से बच्चा इधर उधर कम हिलेगा। मतलब इतना शरारती बच्चा होगा तो जलूल हिलेगा, बहुत हिलेगा प्याला जो भी। अच्छा नहीं, कुछ नहीं करते, देखो। अब थोड़ा सा तेल लेंगे, अब मायशा की मालिश करेंगे। मायशा की मालिश हो गई है। मालिश आपको बहुत हल्के हाथ से भी नहीं करनी, बहुत विग्रसली भी नहीं करनी है, इन बिटवीन रखनी है, अच्छी मालिश करनी है एंड पूरे बॉडी पार्ट्स की मालिश करनी है। पैर, हाथ और सर तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो सर मैं हमेशा आखिरी में करती हूँ। अब हम कम से कम आधा घंटा इसकी मालिश को रहने देंगे ताकि जो बेनिफिट्स है ना मसाज के वो अच्छे से मिल जाए। कम से कम आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 घंटा भी रख सकते हो, 2 घंटा भी। तो गर्मी का टाइम है, बहुत ज़्यादा देर मालिश करके नहीं रखती हूँ मैं, या मम्मी करती हैं तो हमें से कोई भी कर लेता है। अभी नहलाने के लिए अब मैं इसका टब तैयार करूँगी, कैसे मैं दिखाऊँगी, बट जब तक आधा घंटा है ना तब तक हम अपनी सब्ज़ी छौंक लेते हैं, क्योंकि खाना भी बनाना है ना, है ना, खाना भी बनाना। मायशा देखो, मैं इसको प्यार कर रहा हूँ, इसको जेलस जेलस होता है मेरा बेटा। मायशा मेरा प्यारा सा बेटा छोटा। तो मायशा के लिए हम यूज करते हैं ये
टब जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, बाहर मार्केट में मिल जाएगा। आपका 6 महीने से 9 महीने का जब बच्चा अच्छे से बैठने लग जाए, मतलब 7 महीने का जब बच्चा बैठ सकता है, तो आपको ऐसे बैठा के नहला सकते हो। हम मायशा के लिए 6 महीने से पहले हम बेबी के लिए एक बाथिंग टब आता था जिसमें हम मायशा को लेटा के नहला सकते थे, क्योंकि वो बहुत छोटी थी, बैठने में दिक्कत होती थी, तो हम वो यूज़ करते थे। अब हम ये इस तरीके का टब यूज़ करते हैं जिसमें मायशा काफ़ी अच्छे से खेल लेती है। तो अभी इसमें मायशा कम से कम 10 से 15 मिनट खेलेगी। इसमें हम कुछ बॉल्स, कुछ टॉयज डाल देते हैं, एंड मैंने यहाँ पे यू नो थोड़ा सा बाथिंग जेल डाल दिया ताकि झाग बने और मायशा को और अच्छा लगे। तो मैंने अभी, वैसे हम बच्चे को हमेशा कपड़े पहना के नहीं लहलाते, पर अभी यू नो यूट्यूब पे हम ऐसे नहीं डाल सकती न्यूड, तो इसलिए मायशा को हमने टी शर्ट और या निक्कर पहनाया हुआ है। तो मायशा को बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से पानी में खेलना। बच्चे को थोड़ी देर आपको पानी में खेलने देना चाहिए, क्यों, उससे बच्चे के जो हाथ पैर चलते हैं ना उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बहुत एक्टिव होता है बच्चा। तो मायशा को बहुत मज़ा आता है पानी में खेले, तो हम इसे 10 से 15 मिनट रखेंगे। टेम्परेचर अगर ठंडी का टाइम है तो आपको वार्म रखना पड़ेगा, इस टाइम पे काफ़ी गर्मी है दिल्ली में, तो हम टेम्परेचर हाथ से चेक कर लेते हैं। यूजुअली हम पानी स्टोर करके रखते हैं ताकि मायशा को ना नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में नहलाए। अब वो नहाई नहीं कर रहा है, कैसे कर रहा है देखो दिखाते हैं। मायशा के लिए हम यहाँ पे काफ़ी अलग अलग ब्रांड्स की चीज़ें यूज करते हैं, जैसे कि ये मैं ये चीकू के हैं नो सोप फ्री बाथिंग जेल और नो मोर टीयर शैम्पू। इसके अलावा मैं मामा अर्थ का मिल्की सॉफ्ट बॉडी वॉश, ये भी बहुत अच्छा है मामा आयशा के लिए, और आप बॉटल भी देख सकते हो। ये कुछ ब्रांड्स हम यूज़ करते हैं मायशा के लिए। हाय मायशा, मायशा पानी देखो, मायशा को पानी पकड़ना है। क्या पकड़ना है मायशा को? पानी। तो मायशा के लिए आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सेफ़ हैं, सेफ़ टू यूज़ हैं, और बच्चे के लिए हमेशा आप ऐसी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो जो सेफ़ हो। ऐसा नहीं है कि बच्चा काफ़ी बड़ा है तो आप उसे छोड़ दो, बिल्कुल भी नहीं करना है लापरवाही, क्योंकि कई बार छोटी छोटी लापरवाही से बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो मायशा को नहलाते वक्त भी बिल्कुल हम ध्यान रखते हैं कि वो कहीं गिर ना जाए, फिसल ना जाए, पानी में ना उसका ज़्यादा कुछ बहुत देर रह जाए। और हम एक लिमिट तक ही पानी रखते हैं, 3 टायर का ये टब है, हम 2 टायर या फिर उससे कम का पानी रखते हैं। 15-20 मिनट अच्छे से खेल लेती है और उसके बाद फिर हम उसको साफ पानी से नहला देते हैं। तो अभी वो खेल रही है, उसका खेलने का टाइम चल रहा है। सुंदर बेटा, प्यारा बेटा, सुंदर सा बेटा, ऐसे जिगर का टुकड़ा, जिगर का बच्चा, सुंदर सा बच्चा, जिगर का टुकड़ा। गुच्छा नहीं गलते, गुच्छा नहीं नहीं गलते, हाँ आहा आहा आहा। ये देखो भाई, मायशा नहा धो के रेडी हो गया, मैं तो रेडी शेडी हो गया। ये ड्रेस इसकी हमने हॉपस्कॉच से ली थी, बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल रही थी, बहुत ही परफेक्ट है इस समर टाइम के लिए। मेरा बच्चा रेडी होगा, आई लव यू मम्मा को, कहो आई लव यू टू मम्मा। ओहो चले चले चलो, अब आप दूध पियेंगे और अब मायशा का सोने का टाइम है। नहलाने के बाद बच्चे की हालत ऐसी हो जाती है जैसे कि आप खुद भी नहाए हो। ऐसे टब से काफ़ी रिलीफ मिल जाता है, छोटे में हम जो दूसरा यूज़ करते थे तो उससे भी काफ़ी ऐसा था। तो अब मैं फ्रेश होंगी क्योंकि मेरे को भी नहाना है और उसके बाद वीडियो शूट करनी है, हमारी सब्जी भी बन गई है। सो या कुछ चीज़ें जो मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर करी कि हम कपड़े कैसे, डायपर एंड ऑल, तो हम डायपर से पहले रैश क्रीम या कोकोनट ऑयल प्रेफर करते हैं जिससे उसे रैशेज ना हो, टच वुड उसे अभी तक रैशेज नहीं हुए। कोकोनट ऑयल की बजाय आप घी भी यूज़ कर सकते हो, घर का देसी, वो भी बहुत अच्छा होता है, रैशेज नहीं होते। मायशा की स्किन वैसे भी सेंसिटिव है तो हम कोशिश करते हैं लगाने का। कुछ पार्ट्स मैंने शूट नहीं किए क्योंकि यूट्यूब पे ना कुछ गाइडलाइंस हैं कि बच्चों को आप ज़्यादा न्यूड नहीं दिखा सकते हो न्यूडिटी की वजह से, इसलिए हमने उसके कुछ कुछ पार्ट्स कट करके मैंने आपके साथ शेयर करे। और बॉडी पे अच्छे से हम मसाज कर देते हैं उसके बॉडी लोशन से, जिसमें मैं काफ़ी सारे बॉडी लोशंस हैं इसके जो हम यूज़ करते हैं, पाउडर है गर्मी के टाइम पे मैं यूज़ करती हूँ चीकू का। दैट वाज इट फॉर दिस व्लॉग एंड आई होप आपको ये हेल्प करेगा कि आप टब भी कैसे नहला सकते हो, थोड़ी देर बच्चे को खेलने दो और थोड़े टॉयज डालो एंड ऑल, क्या क्या प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हो। आप ये वाली ट्रिक आप अपने 7th या 8th मंथ के बच्चे से लेके 1 साल तक के बच्चे के साथ भी कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है क्योंकि वो बैठने लगता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अगर आप इस तरीके का कॉन्टेंट देखना चाहते हो तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताइएगा। Bye guys, take care.